जब से अक्षय कुमार की पृथ्वीराज फ्लॉप हुई है तब से लोग उनकी हर फिल्म पर चटकारे ले रहे हैं। अक्षय कुमार की तरफ से तो पहले ही संकेत मिल गए थे कि 3 बैक टू बैक फिल्में पिटने के बाद अब वो अपने पुराने जॉनर यानी फैमिली एंटरटेनिंग और कॉमेडी फिल्मों की तरफ वापसी करेंगे। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को फ्लॉप होने महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी नई फिल्म रक्षाबंधन नया टीजर जारी कर दिया। अक्षय कुमार ने नई फिल्म रक्षाबंधन का टीजर जारी कर इसे रिटर्न टू फीलिंग्स यानी भावनाओं में वापसी का नाम दिया। फिल्म का नाम ही बता रहा है कि एक फैमिली ड्रामा हो सकती है। अक्षय कुमार ने 11 अगस्त को रिलीज होने वाली अपनी नई फिल्म का प्रमोशन शुरू किया तो लोगों ने इस पर उनके मजे लेने शुरू कर दिए। दिलीप मंडल ने कहा, सर अब आपका हो चुका, क्यों खुद को झोंके जा रहे हैं, अब तीर्थ यात्रा धर्म कर्म कीजिए, पान मसाले का विज्ञापन कीजिए, आम चूस कर खाइए, अब आपसे ना हो पाएगा, आपकी पिछली 7 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। एक और यूजर ने कहा, 10 दिन में ही मूवी कंप्लीट कर दी, इसमें भी बाला का रूप तो नहीं दिखाया अक्षय भाई। वही अभिषेक नाम के इस यूजर ने कहा, करे क्या कैनेडियन कुमार, हिंदू के महापुरुषों त्योहारों आदि का प्रयोग करके नहीं कुछ कर पाए, विमल ही बेचो बस, देशभक्ति सिखाते हो हमें, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ लाओ, धर्म खतरे में, सड़कों पर दंगा कराओ उनसे। वही रितेश नाम के यूजर ने इस फिल्म को आने से पहले ही फ्लॉप घोषित कर दिया। दोस्तों, किसी स्टार की कोई फिल्म फ्लॉप होना गलत नहीं, ना ही कुछ नया है। जो अक्षय कुमार के साथ हुआ वो बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता रहता है, लेकिन लोगों का उन्हें लेकर गुस्सा इस बात पर ज्यादा है कि उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले बेमतलब के इतिहास को लेकर सवाल क्यों उठाए और फिर एक पार्टी विशेष के साथ प्रचार क्यों करते दिखाई दिए। अक्षय कुमार ने पहले खुद एक साइड चुन ली, अब इसका नुकसान उनको हर फिल्म में उठाना पड़ेगा।